नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का RPSC एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के वीडियो में अपन बात करेंगे कोणों से संबंधित तथ्य, त्रिभुज में जो है वो कोणों से संबंधित, त्रिभुज के कोणों से संबंधित तथ्यों के बारे में आज बात करेंगे। त्रिभुज के कोणों से संबंधित तथ्य जो कि एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, जिनके आधार पर जो अपन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं, ऐसे तथ्यों को देखेंगे। और दोस्तों जो आपको बताने जा रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको किसी बुक में मिलने की संभावना इनकी कम है, तो आप जो है इनको थोड़ा सा ध्यान से ज़रूर देखिएगा। और पहला जो तथ्य मैं आपको बता देना चाहता हूँ, उससे पहले बता दूँ कि त्रिभुज के जो बेसिक जो चीज़ें हैं वो मैंने पिछले वीडियो में बता दी हैं, तो त्रिभुज का जो पार्ट फर्स्ट है उसमें आपको वो वीडियो देखने को मिल जाएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट है, उसमें आप जाएंगे नीचे ही नीचे आपको जो है त्रिभुज का पार्ट फर्स्ट मिलेगा, आप वहाँ जा करके उसको देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब अपन बात करेंगे आज के वीडियो में त्रिभुज के कोणों से संबंधित तथ्यों के बारे में। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बता दूं तो अपन जानते हैं कि दोस्तों त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। यानी कि एक बात यहाँ से निकल के आ सकती है कि त्रिभुज के कम से कम दो कोण जो हैं, त्रिभुज के कम से कम दो कोण सदैव 90 डिग्री से कम होते हैं। ठीक है दोस्तों, त्रिभुज के दो कोण जो हम वो सदैव कम से कम दो कोण सदैव 90 डिग्री से कम होते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज में क्या होता है कि कम से कम दो कोण सदैव 90 डिग्री से कम क्यों होंगे? क्यों? क्योंकि दोस्तों पूरा योग 180 डिग्री होता है। अगर दो कोण 90 डिग्री या 90 डिग्री से ज़्यादा हो गए, तो अगर दो कोण 90 डिग्री के भी हो गए तो वहाँ पे 180 तो सीधा ही बन गया, फिर तीसरा कोण 0 डिग्री का तो हो ही नहीं सकता, तो फिर वो त्रिभुज नहीं है। तो इसलिए जो है वो हमेशा ये बोला जाता है कि त्रिभुज में कम से कम दो कोण जो है वो 90 डिग्री से जो है वो हमेशा कम ही होते हैं। एक कोण 90 डिग्री का हो सकता है या 90 से ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन दो कोण कभी भी नहीं हो सकते। ठीक है दोस्तों, दूसरी जो चीज़ आती है वो आती है अपने समकोण त्रिभुज से निकल करके, या फिर किसी भी त्रिभुज की अपन बात कर लें। जैसे एक त्रिभुज मैंने ये बनाया है यहाँ पे, इस प्रकार का एक त्रिभुज है। ठीक है दोस्तों, ये आपका एक त्रिभुज है, ये कोण बिल्कुल मैं मान लेता हूँ 20 डिग्री का है। 20 डिग्री का जब एंगल होता है तो ये भुजा इतनी है, और जब ये कोण जो है आपका 40 डिग्री का मैं कर देता हूँ, मान लीजिए 40 डिग्री का कोण हो गया, तो ये आपका जो ये भुजा है ये आपकी इतनी लंबी बन गई। इसी प्रकार 60 पे कर देता हूँ और 90 पे कर देता हूँ, तो ये भुजा इतनी बड़ी बन जाती है। ठीक है, यानी कि जैसे जैसे कोण बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे भुजा की साइज भी जो है, जैसे जैसे कोण दोस्तों बड़ा होगा भुजा की साइज भी बढ़ती जाएगी, कोण छोटा होता जाएगा तो भुजा की साइज भी क्या है छोटी होती जाएगी। यानी कि जिस भुजा के सामने का कोण बड़ा होता है वही भुजा सबसे बड़ी होती है, यानी कि सबसे बड़े कोण के सम्मुख भुजा, सबसे बड़े कोण की सम्मुख भुजा सबसे बड़ी होती है, सबसे बड़े कोण की सम्मुख भुजा सबसे बड़ी भुजा होती है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि सबसे बड़े कोण की सम्मुख भुजा जो है वो त्रिभुज में सबसे बड़ी होती है। अब दोस्तों अपन बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स के बारे में। अगर मैं एक डायग्राम आपको बताऊं, और दोस्तों ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इनको थोड़ा आप ध्यान में रख लीजिएगा। जैसे मैंने एक ट्राइंगल बनाया इस प्रकार से कि उसमें ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी आपका हो गया। ठीक है दोस्तों, अब जो है ये कोण आपका बी कोण है, ये कोण सी कोण है आपका, और यहाँ पे मैं इस बी कोण का समद्विभाजक खींचता हूँ और यहाँ पे सी कोण का समद्विभाजक मैं खींच लेता हूँ, और ये बिंदु डी पर जाके मान लीजिए मिलते हैं। ठीक है, ये कोण आपका मान लीजिए ए है, तो ये कोण कितना होगा? ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि ये कोण अगर ए है तो ये कोण कितना होगा। क्या शर्तें क्या हैं? किसी त्रिभुज में अगर कोण बी किसी त्रिभुज के दो अंतः कोणों का योग, सॉरी दो अंतः कोण नहीं, किसी त्रिभुज के एक अंतः कोण का समद्विभाजन और एक बाह्य कोण का समद्विभाजन करने वाली रेखा जहाँ जाके मिलती हैं वहाँ पे कितने डिग्री का कोण बनाती हैं? तो दोस्तों वो कोण जो होगा वो एक जो अन्य कोण अंदर बच गया उस कोण का आधा दोस्तों हो जाएगा। ठीक है, उस कोण का क्या हो जाएगा? आधा वहाँ पर दोस्तों ये हो जाएगा। तो ये अपनाएगा
ए जो है उसका आधा आ जाएगा, यानी कि ए बटा दो, यानी कि कोण डी यहाँ पे अपना क्या बनेगा, ए बटा दो बनेगा, कोण ए बटा दो यहाँ पे बन जाएगा। ये ध्यान में रखिएगा दोस्तों, अगर ये आपका 90, अगर ये आपका मान लीजिए आपको 110 डिग्री अगर मान लीजिए दे रखा है, तो ये कोण डी जो आएगा वो 110 बटा दो आएगा, यानी कि 55 डिग्री जो है वो आ जाएगा, यानी कि कोण डी कितना होगा 55 डिग्री का दोस्तों होगा। कब? जब किसी त्रिभुज के एक अंतःकोण का समद्विभाजन और एक बाह्य कोण का समद्विभाजन करते हैं, तो वो जहाँ जाके मिलते हैं और जो कोण अपने को प्राप्त होता है वो कोण त्रिभुज के अन्य कोण, जो समद्विभाजन हो गया वो कोण नहीं, तीसरा जो कोण बच गया उस कोण का आधा दोस्तों होता है। ये पॉइंट आप लिख भी सकते हो, डायग्राम बना सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। दूसरा पॉइंट एक और है दोस्तों, ये 4-5 पॉइंट है, टोटल 6 पॉइंट है लगभग। तो दूसरा पॉइंट क्या आपका, मान लीजिए ये एक ट्राइंगल है, इसमें यह आपका ए है, ये आपका बी है और ये सी है, ठीक है दोस्तों। अब क्या करते हैं, कोण ए का समद्विभाजन, बी और सी का करके देख लिया, ए का समद्विभाजन करते हैं। कोण ए का जब मैंने समद्विभाजन किया, एक बिंदु मान लीजिए डी है आपका, तो दोस्तों क्या होगा, यानी कि किसी त्रिभुज के एक अंतःकोण का समद्विभाजन करने पर क्या अपने को शर्त मिलेगी, यहाँ पे शर्त अपने को मिलेगी कि ए बी और ए सी का अनुपात, ए बी बटा ए सी, ए बी बटा ए सी, यानी ए बी और ए सी का अनुपात किसके बराबर होगा, आपका बी डी अनुपात डी सी होगा, आपका बी डी अनुपात डी सी होगा। यानी कि क्या होगा कि ए बी और ए सी का अगर एक अंतःकोण का समद्विभाजन अपन कर दें और जो अपने को बिंदु मिलेगा उससे क्या मतलब निकलेगा कि ए बी और ए सी का समद्विभाजन जो है वो बी डी और बी सी के समद्विभाजन के बराबर होगा। इसी प्रकार अगर मैं कोण बी को भी समद्विभाजित इसमें कर दूँ तो किस प्रकार से बनेगा, देखिए ये ए है, ये बी है और ये सी, अगर ये बी कोण है इसको अपन समद्विभाजित किया, यहाँ पे अपने को डी बिंदु मिलेगा, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या मिला डी बिंदु। तो अब दोस्तों क्या होगा, यहाँ पे होगा बी ए और बी सी, बी बी ए और बी सी जो है, देखो ए बी और ए सी किया, वैसे बी ए और बी सी का जो अनुपात होगा वो किसके बराबर होगा, ए डी अनुपात डी सी, ए डी अनुपात डी सी आपका हो जाएगा। तो इस प्रकार से सी कोण को भी अपना आधा करके देख सकते हैं, वही अपने पास नियम दोस्तों लगेगा। तो इस प्रकार से समद्विभाजन करने पर अपने पास ये शर्तें जो हैं वो आती हैं, तो थोड़ा सा इसको भी ध्यान में आप रख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। अब ये तो हो गया अंतः समद्विभाजन, अब बात कर लेते हैं बाह्य समद्विभाजन की। किस प्रकार से दोस्तों, देखिए मान लीजिए ये आपका कोण, सॉरी थोड़ी सी लाइन तिरछी बन गई है, ये एक मान लीजिए ट्राइंगल है जिसमें ये इस प्रकार से मान लीजिए एक अपने पास जो है वो त्रिभुज दे रखा है, ठीक है, ये अपने पास एक त्रिभुज दे रखा है, ये बिंदु ए है, ये बी है और ये सी। अपने ए बिंदु को अंदर से समद्विभाजन करके देख लिया, लेकिन इस के ऊपर बाह्य जो ये कोण है इसका समद्विभाजन अपन दोस्तों किस प्रकार से कर सकते हैं, अगर इसका समद्विभाजन अपन करें तो किस प्रकार से, मान लीजिए इस कोण का समद्विभाजन यहाँ मेरे को प्राप्त होता है, ये बिंदु मेरे को प्राप्त होता है डी, तो क्या नियम निकल के आएगा, क्या नियम निकल के आएगा दोस्तों, अपन ने ए का समद्विभाजन किया वही करना है, ए बी अनुपात, ए बी अनुपात ए सी जो होगा वो किसके बराबर होगा, ए पी अनुपात ए सी जो वो किसके बराबर दोस्तों इसमें होगा, बी डी अनुपात सी डी, बी और डी अनुपात बी सी, सॉरी सी डी, बी डी अनुपात सी डी यहाँ पे वो हो जाएगा, ए बी अनुपात ए सी जो होगा वो बी डी अनुपात सी डी होगा। दोस्तों ये मत करना बी सी अनुपात सी डी, ये नहीं होगा, बी डी पूरा जाएगा बी डी अनुपात सी डी। इस प्रकार से आप ध्यान रख सकते हो कि किस बाह्य कोण अंतः अपन अगर समद्विभाजन करते हैं तो कौन सा नियम लगेगा और बाह्य करते हैं तो कौन सा नियम, नियम वही है दोस्तों, आपको भुजाओं का थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना होता है, ठीक है। अब अगर बात करूं मैं चौथे नियम की, तो मान लीजिए ये ए है, ये बिंदु बी हो गया और ये बिंदु सी हो गया, ठीक है। अब ये कोण ए बी है, ये कोण सी है, मान लीजिए मैंने कोण ए का समद्विभाजन कर दिया अंदर और यहाँ पे कोण सी का भी मैंने समद्विभाजन कर दिया अंदर की तरफ, ये बिंदु मेरे को ओ बिंदु मिला, तो इस कोण का मान कितना होगा ये पूछ लिया जाता है, तो कोण बी ओ सी कितना होगा, कोण बी ओ सी कितना होगा, ठीक है दोस्तों। यानी कि एक त्रिभुज दे रखा है,
डायग्राम आपको दिया हुआ मिलेगा एग्जाम में, या प्रश्न इस प्रकार से लिखा हुआ कि आप बना सकते हो, कोण बी का अंतःसम द्विभाजन, कोण सी का अंतःसम द्विभाजन कर दिया, बिंदु मिला ओ तो कोण बी ओ सी, कोण बी ओ सी क्या होगा, बी ओ सी। दोस्तों जो कोण पूछना होता है ना, ये कोण पूछना है तो इसको बीच में लिखेंगे। जैसे अपने को मान लीजिए ए पूछते तो अपन लिखते बी ए सी कितना होगा, बी ए सी कितना होगा, फिर ओ दिया होता अपने को, ठीक है, तो बी ओ सी कितना होगा, ओ पूछा है तो कोण बी ओ सी कितना होगा, ओ को दोस्तों बीच में रखा है, ठीक है, कोण बी ओ सी कितना होगा, यानी कि ये कोण पूछा दोस्तों, ये कोण कितना होगा आपका, इसके लिए जो आपकी जो वो है आपका सूत्र है वो है 90 डिग्री, और 90 डिग्री में दोस्तों मैं क्या जोड़ दूँ कि ये अपने पास ओ कोण आ जाए, तो 90 डिग्री में जोड़ देंगे कोण ए का आधा, कोण ए का आधा अगर जोड़ देंगे 90 डिग्री में तो कोण बी ओ सी अपने पास दोस्तों आ जाएगा, बहुत ही शानदार है। इसके बाद अगर दोस्तों मैं बात करूं यहां पे, अगर ये तो आपका कोण हो गया बी को अपन ने अंदर की तरफ समद्विभाजित कर दिया, अगर मैं बाहर की तरफ, जैसे ये सी के ऊपर बाह्य कोण है, ये बी के ऊपर बाह्य कोण है, बाहर से बी और सी को समद्विभाजित करूँ तो दोस्तों अपना क्या होगा, ये बाह्य कोणों का समद्विभाजन कर दिया, और मान लीजिए यहाँ मिलता है ओ डेस और अपने को पूछ लिया कोण बी ओ डेस सी बताइए, कोण बी ओ डेस सी बताइए, तो क्या आ जाएगा 90 डिग्री से मुझे घटाना पड़ेगा किसको, कोण ए के आधे को जो हम घटा दूंगा, यानी कि अगर मेरे को ये पूछ लिया जाए इस प्रश्न में बाह्य कोणों का समद्विभाजन दे के ये कोण आप बताइए, तो आ जाएगा बी ओ डे सी बराबर 90 डिग्री, और उसमें से क्या घटा देंगे कोण ए का जो है आधा उसमें से घटा देंगे। अगर मैं बात करूं दोस्तों, दोनों ही अपने को चीज़ें इस प्रकार से दी हुई हों, ये अंतः समद्विभाजन भी दिया हो, बाह्य समद्विभाजन भी दिया हो, और फिर अपने को पूछ ले कोण बी ओ सी प्लस कोण बी ओ डे सी क्या होगा, आप देख सकते हो ये वाला कोण और ये वाला कोण इन दोनों का योग कितना होगा ये अपने को बताना है, तो दोस्तों सीधा सा हो जाएगा 180 डिग्री, क्यों, क्योंकि इन दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस और ये माइनस वाला आपस में कट जाएगा, 90 डिग्री जुड़ करके 180 डिग्री यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब इस प्रकार का एक प्रश्न आपको दिया हो अगर और बोल दिया हो ये आपका 100 डिग्री है, या फिर सॉरी ये आपको बोल दिया हो कि ये आपका जो है वो 70 डिग्री है, तो ये वाला कितना होगा, तो जाहिर सी बात है ये 110 डिग्री होगा, क्योंकि इन दोनों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। शर्तें क्या होनी चाहिए, बाहर से समद्विभाजित होना चाहिए और अंदर से भी समद्विभाजित ये होने चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों को दोस्तों अपन आसानी से जो है वो कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।